भगवान शंकर की पूजा का अद्भुत फल मिलता है। शिवोपासना से जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भगवान शंकर साक्षात कृपा करने वाले महादानी देवता हैं। स्कंद पुराण की ये कथा प्रमाणित करती है कि भगवान शंकर की उपासना कितनी कल्याणकारी है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वे बड़े दानी, धर्मज्ञ और सामर्थ्यशाली थे। वे स्वर्ण मुद्राओं का दान सबको किया करते। उनके राज्य में सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे। गंगा की रेत, वर्षा की धारा, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पर इंद्रदुम्न के पुण्यों की गणना नहीं हो सकती। इस पुण्य प्रताप से वे सशरीर ब्रह्मलोक चले गए। 100 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, राजन, स्वर्ग साधन में केवल पुण्य ही कारण नहीं है, अपितु त्रैलोक विस्तृत निष्कलंक यश भी अपेक्षित होता है। इधर चीरकाल से तुम्हारा यश कम हो रहा है, क्षीण हो रहा है। उसे पुनः उज्जवल करने के लिए तुम धरती पर जाओ। ब्रह्मा जी के शब्द समाप्त भी न हो पाए थे कि राजा इंद्रदुम्न ने अपने को पृथ्वी पर पाया। वे अपने निवास स्थान कांपिल नगर में गए और वहाँ के निवासियों से अपने संबंध में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा, हम लोग तो उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते, आप किसी वृद्ध चिरायु से पूछ सकते हैं। सुनते हैं नैमिषारण्य में सप्तकल्पांत जीवी मार्कंडे मुनि रहते हैं, कृपया आप उन्हीं से इस प्राचीन बात का पता लगाइए। जिस धरती पर इंद्रदुम्न को इतनी ख्याति और प्रतिष्ठा मिली थी, जो सशरीर ब्रह्मलोक चले गए थे, उसी धरती पर उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। जब राजा मार्कंडे जी के पास पहुँचे और उनसे प्रणाम करके पूछा कि महाराज, क्या आप राजा इंद्रदुम्न को जानते हैं? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता, पर मेरा मित्र नाड़ी जंग बक शायद इसे जानता हो, इसलिए चलो उससे पूछा जाए। नाड़ी जंग ने भी अपनी बड़ी विस्तृत कथा सुनाई और अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए उसने अपने से भी अति दीर्घायु प्रकार कर्म उलूक के पास चलने के लिए सहमति दी। पर इसी प्रकार सभी अपने को असमर्थ बताते हुए चिरायु गिद्धराज और मानसरोवर में रहने वाले कच्छप मंथर के पास पहुँचे। मंथर ने इंद्रदुम्न को देखते ही पहचान लिया। ऐसा कहा जाता है कि कच्छप की उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होती है। सर्वाधिक उम्र वाले कच्छप ने इंद्रदुम्न को पहचान लिया और कहा कि आप लोगों में यह जो पांचवा राजा है वो इंद्रदुम्न है। उसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता है, क्योंकि इसी के यज्ञ में मेरी पीठ पृथ्वी की गर्मी से जल गई थी। अब राजा की कीर्ति तो प्रतिष्ठित हो गई, पर उसने स्वर्ग में जाना ठीक न समझा और मोक्ष साधन की जिज्ञासा की। तब मंथर ने लोमस जी के पास चलना श्रेयस्कर बताया। लोमस जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम आदि करने के बाद मंथर ने निवेदन किया कि इंद्रदुम्न कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। महर्षि लोमस की आज्ञा लेने के बाद इंद्रदुम्न ने कहा, महाराज, मेरा सवाल तो ये है कि आप कभी कुटिया न बनाकर गर्मी, वर्षा और शीत में बचने के लिए केवल एक मुट्ठी तृण ही क्यों लिए रहते हैं? मुनि ने कहा, राजन, एक दिन मरना अवश्य है, फिर इस शरीर का निश्चित नाश जानते हुए भी हम घर किसके लिए बनाएं? जवानी, पैसे और जीवन, ये सभी चले जाने वाले हैं। ऐसी दशा में दान ही सर्वोत्तम भवन है। इंद्रदुम्न ने पूछा, मुनि, ये आयु आपको दान के परिणाम में मिली है या तपस्या के प्रभाव से? मैं ये जानना चाहता हूँ। लोमस जी ने कहा, राजन, मैं पूर्व काल में एक दरिद्र शूद्र था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। भूख से मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। उस जलाशय में स्नान करने के बाद मैंने कमल के सुंदर फूलों से उस शिवलिंग का पूजन किया और आगे चल दिया। बहुत भूखा होने के कारण मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई और दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। शिवजी की पूजा के बाद मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। मैंने जानबूझकर मौन धारण कर लिया। पिताजी की मृत्यु हो जाने पर संबंधियों ने मुझे नीरा गूंगा जानकर मेरा त्याग कर दिया। अब मैं रात दिन भगवान शंकर की आराधना करने लगा। इस प्रकार 100 साल बीत गए। भगवान शंकर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मुझे इतनी दीर्घ आयु दी। ये जानकर इंद्रदुम्न, बक
कच्छप, गिद्ध और उल्लू ने भी लोमस जी से शिव दीक्षा ली और तप करके मोक्ष प्राप्त किया। संसार में भगवान शंकर की आराधना, शिव जी की पूजा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। इस युग में अगर साक्षात कल्याणकारी कोई रास्ता है तो भगवान शंकर की पूजा। ओम नमः शिवाय।